आज तो ट्यूशन में मजा ही आ गया, इतना बड़े टेस्ट तो मेरा जिंदगी में नहीं गया। यार मेरा टेस्ट तो ना इतना गंदा गया, जीरो मार्क्स आएंगे। तेरा तो हमेशा का यही रोना है। मेरा तो ठीक ठीक गया, बस पास हो जाऊंगी। यार गाइस, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, तू निकाल रहे थे आवाज। यार मैं क्यों निकालूंगा, मुझे तो खुद सुनाई दे रही है। ये घुर्रा कौन रहा है? मुझे लग रहा है उन झाड़ियों से आवाज आ रही है। कहीं शेर तो नहीं? शहर में शेर क्या करेगा पागल। चलो हम लोग चल के देखते कौन है। आ जाओ। मैं नहीं जा रही। मैं भी नहीं जाऊंगा। यार कितने फट्टू हो तुम दोनों के दोनों, चलो मेरे साथ। यार ये तो हमें कहां ले आई जंगल में, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। सही कह रही है यार, डर तो मुझे भी लग रहा है। बचाओ। ओए, उस प्लॉट से आवाज आ रही है। बचाओ। चलो चल के देखें। चलो चलो। सामने से आवाज आ रही है। कोई मदद करो मेरी, मदद करो कोई मेरी। ये कौन है? पता नहीं यार। दीदी आप कौन हो और ये फैंसी ड्रेस वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। और मैं इच्छाधारी नाग। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में इच्छाधारी नागिन हूँ। तुम लोग मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस तुम्हारी एक मदद चाहिए। कैसी मदद? एक सपेरा मेरे पीछे पड़ा है, उसने मेरे नाग को भी मार दिया है, और अब वो मेरे पीछे पड़ा है मेरी नागमणि के लिए, और वो मुझे भी मारना चाहता है। लेकिन अगर वो नागमणि उस सपेरे के हाथ लग गई तो वो पूरे नागलोक को नष्ट कर देगा। उसके पास एक बीन है जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, उस बीन से वो पूरे धरती लोक को नष्ट कर सकता है। और मैं अपनी सारी शक्तियाँ भी खो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कड़ा था जिसमें वो सारी शक्तियाँ थी, लेकिन उस सपेरे ने मुझसे वो कड़ा भी छीन लिया है। तुम लोग मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और ये पूरा धरती लोक नागलोक सब नष्ट हो जाएगा। पर हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? बस तुम्हें मेरा एक काम करना है, मुझे किसी भी मंदिर में ले जाओ, मैं वहाँ सुरक्षित रहूँगी, और उस सपेरे से वो बीन और मेरा कड़ा वापस ले आओ। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। नागिन जी, वो सपेरा हमें कहाँ मिलेगा? वो सपेरा तुम्हें वहीं मिलेगा जहाँ तुम लोगों को मैं मिली थी, वो जरूर मुझे ढूंढता ढूंढता वहाँ गया होगा। ठीक है, हम लोग अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, लेकिन आपका सामान आपको लाकर देंगे।
यार उस नागिन को मंदिर तो पहुंचा दिया, पर उस सपेरे से उसका सामान कैसे लाएं? आइडिया। क्या? एक काम करते हैं, उस सपेरे की पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। बेवकूफ, जैसे पुलिस वाले तेरी बात मान लेंगे है ना, बच्चा समझ के भगा देंगे वहां से, डंडे और पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, घर पे मम्मी पापा को बता देते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। तुम दोनों ना एक जैसे ही हो बिल्कुल, तेरी मम्मी जैसे बात का यकीन कर ही लेगी है ना, तो थप्पड़ मार के भगाएगी। हाँ, मुझे एक आइडिया आया है। मैंने सुना है ये जो बाबा बाबा होते हैं ना, इनमें से आधे तो ढोंगी होते हैं, पैसों के लिए करते सब कुछ। तो क्या पता ये भी ढोंगी बाबा हो, है ना? हम लोग ना इसे बहुत सारे पैसे लाके दे देते हैं एक बैग में भर के, है ना? पर इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? हाँ, ये भी सही बात है। आइडिया। क्या? बस तू रहने दे, छोड़, अपने आइडिया मत बता। अरे यार एक बार एटलीस्ट सुन तो लो मेरा आइडिया। अच्छा ठीक है बता। एक काम करते हैं, हम ना एक बैग के अंदर नकली नोट भर देते हैं और ऊपर ऊपर से असली नोट रख देते हैं। असली नकली, बाबा को कुछ नहीं पता लगेगा। अरे हाँ यार, तेरा दिमाग कब से इतना चलने लग गया। वेरी गुड वेरी गुड, ये मेरी संगत का असर है। ठीक है तो अब ना हम लोग यही करेंगे, एक बैग में खूब सारे नकली नोट भर देंगे और ऊपर उनमें असली नोट लगा देंगे, उसको लगेगा कि सारे के सारे असली नोट है और हम वहां से फिर उसको पैसे दे के सारा सामान लेके चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है चलो। काले, ध्यान से ढूंढ, वो नागिन बचनी नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी। आज उसे भस्म करना आवश्यक है। काले, ठहरो। नादान बालको, कहाँ घूम रहे हो? अरे बाबा, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। वो क्या है ना, ये जो आपके हाथ में कड़ा है और ये बीन है ना, ये हमें बहुत पसंद आया, ये हमें दे दो आप। इन्हें साधारण ना समझो, भागो यहाँ से। नहीं नहीं बाबा, ऐसे कैसे भाग जाए? ये देखो, हम आपके लिए पैसों से भरा बैग लाए, इसमें ये देखो आप, नोट ही नोट है। बस आप ये दो सामान हमें दे दो और ये पूरा का पूरा बैग आपका, ये लो। भागो यहां से। ताले। बच गए। कितना शातिर बाबा था वो। हाँ यार, आज वो हमें भी जला के राख कर देता। पर यार क्या करे, उस नागिन का सामान भी तो लाना है उससे। सोचो कुछ। मेरे पास एक और प्लान है। क्या? काले, गुरुजी थोड़ा विश्राम करता हूं। अरे वाह गुरुजी, जल का इंतजाम हो गया। अब बाबा जी, हमने ना आपके दूर दूर तक किस्से सुने कि आप बहुत ही बलवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, और इससे हमने इम्प्रेस होके आपके लिए ये लाए हैं। ये है जड़ी बूटियों का जूस मिश्रण, और इसे हम बहुत दूर से लाए हैं, हिमालय से, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हम आपसे बहुत इम्प्रेस हैं। अगर आप इसको पी लेंगे ना, तो आप और बलशाली और शक्तिशाली, और आपकी मृत्यु भी जल्दी नहीं होगी। वाह, लाओ लाओ, क्या लाए हो? वाह गुरुजी, मजा आ गया जल पी के। स्वादिष्ट, लाओ लाओ और लाओ।
ये बच्चे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? गुरुजी, आप नागिन के पीछे, बच्चे आपके पीछे, टू मच फन। ये प्लान भी फेल हो गया, और इतनी महंगी दारू की बोतल लाई थी मैं अपने पापा की। अब क्या करें यार, हमारे तो सारे प्लान फेल होते जा रहे हैं। अब तो कोई चारा ही नहीं बचा। अब तो सिर्फ एक ही चारा बचा है। क्या? मुझे अपनी गर्ल पावर दिखानी पड़ेगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज, आप कितने अलौकिक हैं, कितने खूबसूरत हैं। हमने दूर दूर तक आपकी चर्चा सुनी है और आज खुद अपनी आंखों से भी देख लिया। क्या आप हमें भी कुछ क्षण देंगे आपकी सेवा करने के लिए? अवश्य देवी। बालको, तुम्हें क्या लगा मुझे ज्ञात नहीं होगा तुम्हारे जरिए मैं इस नागिन तक पहुंचा हूं, और अब इस नागिन के साथ साथ तुम सबका भी अंत होगा। क्योंकि असली बीन मेरे पास है। तुम सब ने मेरी मदद की, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इस दुष्ट को तो मैं देख लूंगी, अब तुम लोग जाओ।
Thank you.